लास्ट टाइम आपका दरबार में था और कहीं ना कहीं आपने कोई चेंजेस लाए हैं दुआ को लेकर, क्या बताना चाहेंगे? जी आप एक तो पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं, नए रूल्स हो गए हैं लक्ष्मी बाई के लिए। वो ऐसे जैसे दरबार में पहले भी आती थी मनु बन के, तब वो चाबी लेना है ब्रो लो ना। आप देख सकते हैं नए रूल्स हो गए लक्ष्मी बाई के लिए। वो पहले जैसे दरबार में आती थी तो बिना पर्दे के आती थी, अब वो पर्दे के साथ आ रही है, जहाँ भी जा रही है दासियों के साथ जा रही है। तो ये रूल्स नए बनाए हैं गंगाधर जी ने। ऊपर से आप देख सकते हैं कि मेरा पहला जो डिसीजन है दरबार में, पहली बार मैं आई हूँ लक्ष्मी बाई बन के, तो मेरे को महाराज पूछते हैं कि आप सबसे पहला क्या करना चाहती है, सबसे पहला कार्य क्या होगा, तो मैं बोलती हूँ कि विधवाओं को सम्मानित करना चाहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बुंदेलों वाली जो लड़ाई हुई थी उसमें विधवाओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरा उन्होंने फाइट लड़ी थी, तो इसे मैं बोलती हूँ कि इनोगी उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और वो आते हैं पहली बार सबके सामने दरबार में और उन्हें सम्मानित किया जाता है और लक्ष्मी बाई बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जहाँ लक्ष्मी बाई खुश है और कहीं ना कहीं गंगा ने सपोर्ट किया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो बीच मार्चन डाल। जी 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 हमेशा वही आप देख सकते हैं, जब भी महाराज गंगाधर हमें सपोर्ट करते हैं या कभी कभी नहीं भी करते हैं, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मनु अकेली लड़ती है। इस बार फॉर्चुनेटली गंगाधर जी साइड दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो जो तौर तरीके हैं राज्य के, जो भी तौर तरीके उस हिसाब से उसको मतलब दिमाग में रखते हुए फिर कर रही हूँ ये कार्य। पर आप देख सकते हैं कि हम एक साथ होते हुए भी बीच में कोई ना कोई बोलता है, जैसे आपने कहा जैसे जानकी बाई बोलती है उन्हें अच्छा नहीं लगा ये डिसीजन, और किसी को भी पसंद नहीं आता ये डिसीजन, क्योंकि विधवाओं को बहुत जैसे ह्यूमैनिटी से ट्रीट ही नहीं किया जाता। तो बट सही में मनु की हेल्प करते हैं गंगाधर जी, जिनकी वजह से ये कार्य पूरा हो सकता है। आज हाँ लक्ष्मी बाई होने के बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ही चेंज करेंगे ताकि वो पता चले वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं बाल मेरे कर्ली हो गए हैं, मेरे असली बाल हैं बाय द वे, बहुत लोगों को लगा कि नकली है बट मेरे बाल है ये। तो ये मेरे बाल, और आप देख सकते हैं साड़ी का ड्रेस भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे मेरा पल्लू मेरी सेम हुई है और साड़ी भी थोड़ा सा यू नो एनहैंस्ड तरीके से आया है। चूड़िया अब ग्रीन चूड़िया हमेशा रहेगी, मंगलसूत्र ऐड हुआ है, तो ये मेरा लुक थोड़ा चेंज हुआ है और अलता हमेशा रहेगा। जी पता नहीं सिंदूर शायद नहीं होता उस समय में, मतलब नहीं लगाते क्योंकि मैंने पूछा था कि सिंदूर होता है या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो सिंदूर यूज़ करते हैं। उसके बदले वो ये जो मंगलसूत्र है, फिर ये जो लाइन आती है और वो जो डॉट आता है वो मानते हैं ज़्यादा महाराष्ट्र में। थैंक यू जी, पूछिए। तो जानना चाहेंगे कि किस चीज़ पे वार हो रही है, क्यों? किस चीज़ पे? किस चीज़ के लिए वार हो रही है और आज वार हो रही है, बताइए। तो हमारी शादी टूट गई है और बहुत सब गुस्सा हो गए थे, सब निकल रहे थे, उससे पहले उसके बाद बुंदेला आ जाते हैं, जो बुंदेला साहब देखते थे जो सैनिक है वो आ जाते हैं और वो हमारी शादी ऑलरेडी टूट चुकी है उसे और बर्बाद करने के लिए सबको मारने लगते हैं। और ये एक वॉर है मतलब बिटवीन बुंदेलाज एंड झांसी की जो सैनिक है और हम लोग हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉर इज़ कि हम सबके बीच झगड़ा हो गया था, मेरे बीच में महाराज के बीच में झगड़ा हो गया था और मेरी जो फैमिली थी जो खानदान था पूरा वो पूरा गुस्सा हो गए थे एंड उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा था जिस हिसाब से रॉस ने एक्ट किया और महाराज ने उतना कुछ किया नहीं ऐसा उन्होंने लगा। तो वो सब होने के बावजूद सब एकजुट होकर मतलब यूनिटी में आकर सबके साथ फाइट कर रहे हैं, तो वो देख के विजुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ऊपर थी। तो या इट्स अ रियली नाइस सीन। व्हाट डू यू वांट टू से महाराज? इसके लिए गंगाधर को भी काफ़ी चीज़ का एहसास हुआ है कि झांसी कहीं ना कहीं राइट है और आप बता झांसी कहीं कहीं झांसी तो हमारा राज्य है, ये झांसी की लक्ष्मी बाई है, झांसी की रानी होने वाली। और हाँ जैसा कि इन्होंने कहा बिल्कुल करेक्टली कि हमारा रिश्ता जो बिल्कुल अलग हो चुका था, जो टूट चुका था, वो कैसे जब एक एडवर्सिटी आती है या कोई दुश्मन आते हैं तो कैसे सब एकजुट होकर एक फैमिली बनकर यूनाइटेड होकर कैसे हम उस एडवर्सिटी को से लड़ते हैं और कैसे उससे जीतते हैं, और जो दिखता है कि एक्चुअली वो क्लियर हो जाता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और उस सब प्रोसेस में और उस सब चीज़ों में कैसे मैं और गंगाधर और मणिकर्णिका एक दूसरे की तरफ दोबारा से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ प्यार और इज्जत फिर से आ जाती है जो रीन्यूड है जो पहले से भी ज़्यादा हो जाती है, और फिर जो अल्टीमेटली फाइनली रॉयल वेडिंग पे पहुंचती है तो ये बहुत ही अमेजिंग सा स्ट्रॉन्ग टिप है।
और और क्या कहा था? अनुष्का से पूछना चाहूँगी, कभी भी अगर ऑब्वियसली झांसी की रानी जब शो है तो उसमें कहीं ना कहीं सीन्स ऐसे हो रही है जैसे आज हानिस के सीन्स हो रहे थे, तो आप ऑफ स्क्रीन कितना मजा करती है और जब भी ये सीन्स होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है? ये ने बस सिर्फ 3 बार मेरे ऊपर लैंड किया लात मार के, बस ज्यादा तो है नहीं। मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि लात मारने में मुझे नहीं मुझे पता नहीं था कि इनके ऊपर मैं लैंड करूंगी गलती से, पर मुझे बहुत मजा आता जब वो मेरे को ऊपर ऐसे लेके जा रहे थे ना 3 बार। मैं मेरा गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं। कल वाले भी बहुत अच्छे थे वैसे, बड़ा मजा आया लेकिन, है ना? बहुत मजा आया मुझे तो मारा कि इतना मजा आता है, इनका इतना फेदर टच चला है, ऐसे फेदर टच होता है कि पता ही नहीं लगता। चलिए आप लगा जाइए, बहुत मजा आया। आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो आई हैव अ को-स्टार हूज गॉट वेरी वेरी सिमिलर, मैंने ये बार बार मेंशन भी किया है, रिन को भी बोला दैट हु हैज अ रियली ग्रेट वेरी वेरी सिमिलर पैशन लाइक मी टुवर्ड्स वर्क and it just really makes it very very easy for both of us, for all of us. और फिर आप रिजल्ट तो देख ही रहे हैं कितना अच्छा आता है मेहनत के बाद, and she's my favorite co-star. And actually he's, you know, I'm so happy that he's playing Gangadhar Rao because I feel so comfortable and he always motivates me. Always motivates me to work better. So हमारा जब भी सीन होता है we are always excited, yeah we have to do it and बहुत अच्छा करना है. Okay, let's show them our handshake. Yes. हमेशा मतलब ये नया कुछ हो रहा है कि फिर हम कोई इंडियन पूजा मतलब जो हमारे में रिचुअल्स होते हैं वैसे पूजा के लिए एक्चुअली जी किस चीज़ के लिए उन्होंने? तो एक जो इंजन था रेल का इंजन वो हम ब्लास्ट कर चुके हैं ऑब्वियसली, बट महाराज को नहीं पता है, बट रॉस को कहीं ना कहीं शक है, फिर वो 2 और इंजन मंगवा रहा है तो उसके शुरुआत के लिए मतलब उसके इनॉग्रेशन जो होने वाली है उसके पहले से ही वो एडवांस में ही वो बोलता है कि महाराज और महारानी के हाथ से अगर पूजा हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल है। तो इन शॉर्ट कि वो एक जान मुझ के मुझे ही सुनाने के लिए कि देखो तुम जो भी कर लो तुम्हें मेरे ही कमीशनी में आगे पूजा करना पड़ेगा, मतलब ये तो जानबूझ कर कि वो प्रिक करना होगा। हाँ। कि आपको पता है आपने ही वो ब्लास्ट किया था लेकिन वो वापस आप ही को बुला रहे हैं जी। ओके, ये गुस्सा किस चीज़ का, चाबुक क्यों मार रही हैं आप? क्योंकि वो उन्होंने हमारे भोजन में मांस मिला दिया और सबको खिलाया, ऑलमोस्ट सब खा लेने वाले थे और सबको बहुत बुरा लगता है और महाराज को शक होता है कि बिठूर वालों ने जानबूझ के ऐसा किया और बिठूर मेरा बर्थ प्लेस है, मतलब जहाँ से मैं एक्चुअली आई हूँ, तो वो मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि हमारा इंसल्ट होता है और सबको बहुत बुरा लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ और इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी था, एंड फिर मुझे पता चलता है उन्होंने जान मुझ के ऐसा किया तो फिर इसे मैं मारते मारते लेकर आती हूँ। कि रसोई को शायद उन्होंने पीटा था सिर्फ बात को दबाने के लिए जिस वजह से आप नाराज हो गए? बात को दबाने के लिए इतना मारा उनको, खून भी आने लगा, इसलिए मैं भी वापस मारती हूँ, जो चाबुक से वो मार रहे थे उसी चाबुक को लेके मैं भी मारती हूँ। झांसी की रानी की जय। हमेशा मतलब ये नया कुछ हो रहा है कि फिर हम कोई इंडियन पूजा मतलब जो हमारे में रिचुअल्स होते हैं वैसे पूजा के लिए? हाँ एक्चुअली जी। किस चीज़ के लिए उन्होंने? तो एक जो इंजन था रेल का इंजन वो हम ब्लास्ट कर चुके हैं ऑब्वियसली, बट महाराज को नहीं पता है, बट रॉस को कहीं ना कहीं शक है, फिर वो 2 और इंजन मंगवा रहा है तो उसके शुरुआत के लिए मतलब उसके इनॉग्रेशन जो होने वाली है उसके पहले से ही वो एडवांस में ही वो बोलता है कि महाराज और महारानी के हाथ से अगर पूजा हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल है। तो इन शॉर्ट कि वो एक जान मुझ के मुझे ही सुनाने के लिए कि देखो तुम जो भी कर लो तुम्हें मेरे ही कमीशनी में आगे पूजा करना पड़ेगा, मतलब ये तो जानबूझ कर कि वो प्रिक करना होगा। हाँ। कि आपको पता है आपने ही वो ब्लास्ट किया था लेकिन वो वापस आप ही को बुला रहे हैं जी। ओके, ये गुस्सा किस चीज़ का, चाबुक क्यों मार रही हैं आप? क्योंकि वो उन्होंने हमारे भोजन में मांस मिला दिया और सबको खिलाया, ऑलमोस्ट सब खा लेने वाले थे और सबको बहुत बुरा लगता है और महाराज को शक होता है कि बिठूर वालों ने जानबूझ के ऐसा किया और बिठूर मेरा बर्थ प्लेस है, मतलब जहाँ से मैं एक्चुअली आई हूँ, तो वो मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि हमारा इंसल्ट होता है और सबको बहुत बुरा लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ और इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी था, एंड फिर मुझे पता चलता है उन्होंने जान मुझ के ऐसा किया तो फिर इसे मैं मारते मारते लेकर आती हूँ। कि रसोई को शायद उन्होंने पीटा था सिर्फ बात को दबाने के लिए जिस वजह से आप नाराज हो गए? बात को दबाने के लिए इतना मारा उनको, खून भी आने लगा, इसलिए मैं भी वापस मारती हूँ, जो चाबुक से वो मार रहे थे उसी चाबुक को लेके मैं भी मारती हूँ। झांसी की रानी की जय। साकरपुड़ा हो रहा है फाइनली, द ग्रैंड वेडिंग की रस्में स्टार्ट होगी, मेन रस्म साकरपुड़ा, तो क्या कुछ ड्रामा हो रहा है? साकरपुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि शादी का जो माहौल है वो जस्ट शुरू हुआ है, साकरपुड़ा पहला रस्म है हमारा जो हम करने वाले हैं, तो साकरपुड़ा तो है ही, पर उसके साथ
मनु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसे गोली लगी हुई है लेफ्ट पैर में, और गोली लगने की वजह से बहुत सारा खून बह चुका है, तो उसे अभी चक्कर आ रहा है, उसे वो बैठे ही नहीं जा रहा, इसलिए वो ऐसे उसकी आंखें लाल है, वो चक्कर खा रही है और बहुत बहुत कंट्रोल कर रही है कि किसी को पता नहीं चले, और लास्ट तक उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो जब उठ जाती है एकदम वो चल नहीं पाती, उसके बाद ऐसे सीन्स हैं। बट ये साखर पूड़ा इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, उसके साथ मनु को लगी हुई है, तो ये हमारा सीखा चला। अच्छा, उसी के बीच हमने देखा कि कोई भले आप छुपाने की भले कोशिश करें, लेकिन ऐसे कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी यू नो जो चोट वो चीजें बाहर आए, तो जानबूझ के किस तरह से डील कर रही है मनु। कैप्टन रॉस जैसे उन्हें खून दिख जाता है तो वो बोलते हैं कि खून अरे चेक करो, तो जानकी भाई आके ट्राई कर रही और मैं मना करे जा रही हूँ। काशी जो है वो भी हेल्प कर रही है, तो मैं भी कुछ बातें बोलूँगी, नहीं बाद में पहनूंगी, फटाक से पहन भी लेती हूँ जल्दी से ताकि किसी को पता नहीं चले, ऐसे डील करना। ओके, लास्टली क्या और कितनी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है? बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग होने वाली, बिकॉज हम उस दिन डिस्कशन कर रहे थे, वी वर हैविंग अ लिटिल मीटिंग अबाउट ग्रैंड वेडिंग एंड ऑल की प्रोमो होगा एंड ऑल, सो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने वो देखा हुआ है कि कैसे हम लोग शूट करने वाले हैं, आई नो द रफ आइडिया, एंड साकरपुड़ा जितना ग्रैंड है उससे कई गुना ग्रैंड होने वाला है हमारा ग्रैंड वेडिंग। थैंक यू। हमेशा मतलब ये नया कुछ हो रहा है कि फिरंग कोई इंडियन पूजा, मतलब जो हमारे में रिचुअल्स होते हैं वैसे पूजा के लिए? हाँ, एक्चुअली जी, किस चीज़ के लिए उन्होंने? तो एक जो इंजन था रेल का इंजन, वो हम ब्लास्ट कर चुके हैं ऑब्वियसली, बट महाराज को नहीं पता है, बट रॉस को कहीं ना कहीं शक है, फिर वो दो और इंजन मंगवा रहा है, तो उसके शुरुआत के लिए मतलब उसके इनॉग्रेशन जो होने वाली है उसके पहले से ही वो एडवांस में ही वो बोलता है कि महाराज और महारानी के हाथ से अगर पूजा हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल है। तो इन शॉर्ट कि वो ही जान मुझ के मुझे ही सुनाने के लिए कि देखो तुम जो भी कर लो तुम्हें मेरे ही कमीशन ही में आगे पूजा करना पड़ेगा, मतलब ये तो जान बुझ कर कि वो प्रिक करना होगा। हाँ, आपको पता है आपने ही वो ब्लास्ट किया था, लेकिन वो वापस आप ही को बुला रहे हैं जी। ओके, ये गुस्सा किस चीज़ का, चाबुक क्यों मार रही हैं आप? क्योंकि वो उन्होंने हमारे भोजन में मांस मिला दिया और सबको खिला, ऑलमोस्ट सब खा लेने वाले थे और सबको बहुत बुरा लगता है, और महाराज को शक होता है कि बिठूर वालों ने जानबूझ के ऐसा किया, और बिठूर मेरा बर्थ प्लेस है, मतलब जहाँ से मैं एक्चुअली आई हूँ, तो वो मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि हमारा इंसल्ट होता है और सबको बहुत बुरा लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ और इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी था, एंड फिर मुझे पता चलता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, तो फिर इसे मैं मारते मारते लेकर आती हूँ। कि रसोइये को शायद उन्होंने पीटा था जी, बात को दबाने के लिए, जिस वजह से आप नाराज हो गए। बात को दबाने के लिए इतना मारा उनको, खून भी आने लगा, इसलिए मैं भी वापस मारती हूँ, जो चाबुक से वो मार रहे थे उसी चाबुक को लेके मैं भी मारती हूँ। झांसी की रानी की जय। हमेशा मतलब ये नया कुछ हो रहा है कि फिरंग कोई इंडियन पूजा, मतलब जो हमारे में रिचुअल्स होते हैं वैसे पूजा के लिए? हाँ, एक्चुअली जी, किस चीज़ के लिए उन्होंने? तो एक जो इंजन था रेल का इंजन, वो हम ब्लास्ट कर चुके हैं ऑब्वियसली, बट महाराज को नहीं पता है, बट रॉस को कहीं ना कहीं शक है, फिर वो दो और इंजन मंगवा रहा है, तो उसके शुरुआत के लिए मतलब उसके इनॉग्रेशन जो होने वाली है उसके पहले से ही वो एडवांस में ही वो बोलता है कि महाराज और महारानी के हाथ से अगर पूजा हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल है। तो इन शॉर्ट कि वो ही जान मुझे ही सुनाने के लिए कि देखो तुम जो भी कर लो तुम्हें मेरे ही कमीशन ही में आगे पूजा करना पड़ेगा, मतलब ये तो जान बुझ कर कि वो प्रिक करना होगा। हाँ, कि आपको पता है आपने ही वो ब्लास्ट किया था, लेकिन वो वापस आप ही को बुला रहे हैं जी। ओके, ये गुस्सा किस चीज़ का, चाबुक क्यों मार रही हैं आप? क्योंकि वो उन्होंने हमारे भोजन में मांस मिला दिया और सबको खिला, ऑलमोस्ट सब खा लेने वाले थे और सबको बहुत बुरा लगता है, और महाराज को शक होता है कि बिठूर वालों ने जानबूझ के ऐसा किया, और बिठूर मेरा बर्थ प्लेस है, मतलब जहाँ से मैं एक्चुअली आई हूँ, तो वो मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि हमारा इंसल्ट होता है और सबको बहुत बुरा लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ और इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी था, एंड फिर मुझे पता चलता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, तो फिर इसे मैं मारते मारते लेकर आती हूँ। कि रसोइये को शायद उन्होंने पीटा था जी, बात को दबाने के लिए, जिस वजह से आप नाराज हो गए। बात को दबाने के लिए इतना मारा उनको, खून भी आने लगा, इसलिए मैं भी वापस मारती हूँ, जो चाबुक से वो मार रहे थे उसी चाबुक को लेके मैं भी मारती हूँ। झांसी की रानी की जय। हाँ, मैं कमिश्नरी पहुँचती हूँ और मुझे पता चलता है कि जो बिठूर के रसोइये हैं वो उन्हें मार रहे थे, जो फिरंगी है वो उन्हें मार रहे थे, और वो भी रीज़न इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे भोजन में मांस मिला दिया था, तो इससे मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरी सेरेमनी है और पूरे दो फैमिलीज़ के बीच में रिश्ता मतलब बहुत बड़ी बात होती है, और एक छोटे सी गलती की वजह से ये रिश्ता टूट जाता था। इनफैक्ट महाराज गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम इंसल्ट करने के लिए उन्हें जान मुझ के ऐसा करते हैं, और मुझे भी बहुत बुरा लग जाता है कि महाराज को ऐसा लगता है,
तो मुझे जब पता चलता है कि एक फिरंगी की वजह से हुआ तो फिर आई जस्ट लूज इट एंड देन दैट्स व्हाई आप देखो कि मैं बेरहमी से मार रही हूँ. ओके मारते मारते बाजार तक लेके जाने वाले मतलब काफ़ी इंसल्टिंग मोमेंट मतलब हाँ मतलब रॉस को जब पता चलेगा उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनका टीम है और बहुत इंसल्ट हो जाता है. मैं पहले भी फिरंगियों को मारा है एक बार विप से वो सेम ही चीज़ मारी है पर कभी घसीटा नहीं था. दो तीन बार मार के वो स्टॉप हो गया था पर यहाँ वो मार मार के घसीट के मार्केट तक मार्केट से लेकर क्या बोलते हैं महल तक भी लेकर जाती है तो मतलब बहुत इंसल्टिंग होगा उनके लिए. कितना मज़ा आ रहा था ये शूट करते समय हमें देखने में बहुत मजा. तो जो जैक जी हैं वो और मैं मतलब पता नहीं हम लोग कभी उतना बात ही नहीं हो पाई और पहली बार हम लोग मिले तो ऐसा सीन है जिसमें मैं उनको मार रही हूँ तो बहुत अजीब था मेरे लिए. मैं बोले अरे वो लगने नहीं चाहिए बस एंड आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि उन्हें नहीं लगे. मैं ज़मीन पे मार रही थी जानबूझ के ताकि उन्हें नहीं लगे पर मारने के शॉट्स तो थे ही तो मैंने मारा. उन्होंने बोला कि अच्छा लगी नहीं बट फिर क्या बोलते हैं जुर्माने के हिसाब से आपको मेरे लिए चॉकलेट लेकर आनी पड़ेगी तो मैं कल लेकर आ जाऊँगी और सब सॉर्ट हो जाएगा. मज़ा तो आया हाँ क्योंकि उनको भी आया मुझे भी आया सबको भी आया सब हंस रहे थे यूनिट में तो बहुत मज़ा आया. Thank you.